Hello everybody, welcome to this channel. My name is Deepak and today we'll look at National Education Policy 2020. So last 40 years में जो educational reforms के लिए major steps या major timeline के points देखे जाएंगे उनमें आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। अगर हम major milestones इस पूरे timeline में देखें तो सबसे पहले 1968 में कोठारी commission की recommendation पर पहली education policy भारत में बनी इंदिरा गांधी के time पे। दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 1992 में राजीव गांधी के समय में बनी और थर्ड उसमें नई पॉलिसी नहीं थी लेकिन उसी में 1986 वाली पॉलिसी में जो मॉडिफिकेशंस किए गए पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उनको भी एक मेजर स्टेप की तरह देखा जाता है। तो उसके बाद 2016 में टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसका काम था सरकार को सुझाव देना कि एजुकेशन पॉलिसी का चरित्र कैसा होगा, उसका प्रारूप कैसा होगा। लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो गई और फिर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई कमेटी बनाई गई और उसके सुझावों और पुरानी कमेटी के सुझावों का ये एक कम्युलेटिव फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आज आपके सामने है। और ये केवल इन कुछ लोगों के द्वारा तय किया गया प्रस्ताव नहीं है, इस पर बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की है और उसके बाद इसका ये फाइनल फॉर्मेट आया है। आज हम ये बहुत ही डिटेल डॉक्यूमेंट है लेकिन आज हम इसके बेसिक जो इम्पोर्टेंट की हाइलाइट्स हैं हम केवल वही देखेंगे जिसका इम्पैक्ट हम पर, आप पर और जो इसके बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के मेन स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल्स, इन पर क्या होने वाला है इस पर हम देखें। आइए शुरू करते हैं। तो बेसिक इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो स्कूल एजुकेशन के लिए और एक हायर एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले स्कूल एजुकेशन में देख लेते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो जो एक ब्रेक थ्रू चेंज दिखाई दिया है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग 10+2 स्ट्रक्चर था, यानी कि हम 10 क्लासेस तक, फर्स्ट टू 10 तक ग्रेजुअली हर सब्जेक्ट के बारे में बच्चे को पढ़ाते थे और उसके बाद वो अपनी स्ट्रीम चूज करता था और उसमें उसके साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए जाता था। तो इस बेसिकली इस स्ट्रक्चर को ही डिमोलिश कर दिया गया, इसी जगह एक नया स्ट्रक्चर लाया गया 5+3+4 का। तो इसका क्या फॉर्मेट है कि 3 ईयर की एज से लेकर 18 ईयर्स की एज तक क्लासेस को या एजुकेशन के कौन कौन से पेडेस्टल होंगे, कौन कौन सा टाइम होगा वो इसके द्वारा डिफाइन किया गया है। जैसे इनिशियल 5 ईयर्स जो होंगे वो फाउंडेशन है, उसमें 3 ईयर्स एंड 2 ईयर्स का दो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 3 ईयर्स क्या है, वो बेसिक प्लेग्राउंड, वो प्ले स्कूल, नर्सरी और किंडरगार्टन है और जो 2 ईयर्स है वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास है। उसके बाद का जो स्टेज है वो प्रेपरेटरी स्टेज नाम दिया गया है, इससे 3rd class to 5th class तक। तो 3rd class से पहले पहले जो बेसिक नंबर्स का ज्ञान है, बेसिक अल्फाबेट्स का ज्ञान है, इस ये बच्चों को आ जाए, ये इस पॉलिसी में प्रस्ताव है कि ऐसी इस प्रकार से शिक्षा नीति बनाई गई है, इस प्रकार से वो करिकुलम बनाया जाएगा, इस प्रकार से पढ़ाई कराई जाएगी कि 3rd class से पहले पहले पूरे देश में हर बच्चे को जो बेसिक नंबर्स का अल्फाबेट्स का ज्ञान है वो हो जाए। उसके बाद 3rd to 5th तक प्रेपरेटरी स्टेज है, उसके बाद मिडिल स्कूल जो है वो 6th class से 8th class तक है और सेकेंडरी स्टेज है वो 9th से 12th कर दी गई है। तो 6th से 8th तक जो है इसमें भी जो वोकेशनल स्टडीज हैं इसका ध्यान रखा जाएगा, ऐसा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया। जो 4 ईयर्स ऑफ हायर एजुकेशन है उसमें से जो स्ट्रीम का सिस्टम था आज तक, जो हम बोलते थे कि किसने आर्ट्स ले ली, किसने कॉमर्स ले ली, किसने साइंस ले ली, इस सिस्टम को यह डिमोलिश कर दिया गया। अब जो स्टूडेंट है वो अपने हिसाब से मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर सकता है, मल्टीपल डिसिप्लिन की चीजें चूज कर सकता है। जैसे अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकते हैं, आपका कॉमर्स में भी इंटरेस्ट है, आपका आर्ट्स में भी इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स के साथ आर्ट्स को भी ले सकते हैं, उसमें फाइन आर्ट्स हो सकता है, उसमें और भी जो भी चीज है वो हो सकती है। तो आजकल जिनको कोट अनकोट पैशन में बांध कर रख दिया जाता था वो अब प्रोफेशन में कैसे लाया जाए, ये एक सरकार का इसमें इसको समाहित किया गया है। तो म्यूजिक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स वुड बी एट द सेम लेवल,
तो जो भी पहले क्या होता था कि स्कूल्स में पहले भी ये व्यवस्था थी, पहले भी फिजिकल एजुकेशन का पीरियड लगता था, लेकिन वो कितना लगता था वो हम सबको पता है। तो क्या है कि अब जो ये चीजें थी जिनको को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का नाम दे के एक साइड में डब्बे में डाल जाता था, उसको अब फोर फ्रंट में लाकर बाकी सब्जेक्ट के साथ इक्वली वेटेज दिया, वेटेज देने की इसमें व्यवस्था की गई है। तो स्टूडेंट्स का फ्लेक्सिबिलिटी भी हो गया सब्जेक्ट चूज करने में, और पर्टिकुलरली इन सेकेंडरी स्कूल फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड वोकेशनल स्किल्स, इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो सबसे बड़ा स्टेप, जो सबसे बड़ा चेंज मुझे लगता है वो ये है कि कोडिंग टू बिगिन फ्रॉम क्लास 6। तो क्लास 6 से कोडिंग शुरू होने वाली है। इसके बहुत सारे फायदे आने वाले टाइम में उन बच्चों में आपको दिखाई देंगे जो इस नए सिस्टम के तहत पढ़ेंगे। इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो ये होगा कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो एनालिटिकल कैपेबिलिटीज है, जो रीजनिंग कैपेबिलिटीज है, वो बच्चों की सुधरेंगे। कोडिंग में दो चीज होती है, सिंटेक्स और लॉजिक। तो सिंटेक्स सिखाया जा सकता है, लेकिन जो लॉजिक है उसके वो डेवलप होता है आपकी रीजनिंग कैपेबिलिटीज से, आपके मेंटल एप्टीट्यूड से। तो अगर कोडिंग 6 क्लासेस सिखाई जाएगी तो इसके बच्चों पर बहुत अच्छे परिणाम होंगे, और जो आजकल जो रट्टन विद्या की जो आदत थी वो इस नई पॉलिसी के थ्रू मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें अंतर आएगा, थोड़ी कमी आएगी। सो करिकुलम कंटेंट विल बी रिड्यूस्ड इन ईच सब्जेक्ट, ये भी एक अच्छा कदम है। और जो बताया गया है, जैसा अगर ऐसा ही होता है तो आने वाले टाइम में जो एग्जाम होंगे उनमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो टाइप के जो है पेपर्स बनाए जाया करेंगे, और बोर्ड एग्जाम जो एक बार होते थे वो साल में 2 बार कराने का भी प्रस्ताव है। अब देखते हैं उसका अमल होता है या नहीं होता है। और एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोर होलिस्टिक इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड एंड एनालिसिस बेस्ड लर्निंग। तो वही है कि जो आपकी जो सोचने की क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस तरफ विशेष ध्यान सरकार का इस पॉलिसी में है। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस वुड बी डेवलप्ड एंड नॉट ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी बट इन 8 रीजनल लैंग्वेजेस टू। तो आपने देखा होगा कि पिछली बार जब 2019 जब इसका ड्राफ्ट आया था तो बहुत लोगों ने, बहुत स्टेट्स में विरोध प्रदर्शन किया गया था कि हिंदी को मैंडेटरी लैंग्वेज बना दिया गया है। तो अभी क्या है कि जो ई कंटेंट है जो ज्यादातर इंग्लिश में अवेलेबल है या फिर हिंदी में अवेलेबल है, और रीजनल लैंग्वेज में ई कंटेंट क्लासेस का एजुकेशन के लिए, खासकर स्कूल एजुकेशन के लिए और हायर एजुकेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो उस ओर सरकार का ध्यान गया, और ये तय किया गया है कि जो ई कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश के अलावा 8 मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी डेवलप कराया जाएगा और टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों तक पहुंचाया जाए। तो हायर एजुकेशन की हाइलाइट्स देख लेते हैं कि हायर एजुकेशन में इस सिस्टम के बाद, इस नई एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट करने के बाद क्या क्या चेंज आने वाले। तो सबसे बड़ा जो चेंज है, जो पूरा स्ट्रक्चरल चेंज है, वो कह सकते हैं कि जो अभी कई सारी बॉडीज थी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC था, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE था, तो ऐसी कई सारी रेगुलेटरी बॉडीज थी, तो इनको हटाकर एक बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसके ये एक हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजन हो गया, इसके कई वर्टिकल्स हैं। तो नेशनल हायर एजुकेशन एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल हो गया, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल हो गया, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल हो गया, और जनरल एजुकेशन काउंसिल हो गया। तो इन सब का अलग अलग काम रहेगा। कुछ एक्रेडिटेशन का रहेगा, जैसे आपने सुना होगा MBA है, NASC है, तो इन कॉलेज की ग्रेडिंग के लिए लोग होते हैं, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी को फंडिंग वगैरह देने के लिए होती थी। तो इन सब के अलग अलग डोमेन बांट के उसी के उसको एक अम्ब्रेला में रख दिया गया है। उस अम्ब्रेला टर्म का नाम है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो अगला स्टेप है वो ये है कि जो प्रोफेशनल काउंसिल है, सच एज द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया एंड मैनी मोर, वो सब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज के अंतर्गत काम करेंगे। तो वोकेशनल स्टडीज को भी एक सेंट्रल अम्ब्रेला के अंदर रख दिया गया है। तो बेसिकली जो इसका जो मर्म है, इसका जो क्रक्स है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, इसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस पर बहुत ध्यान दिया गया है। The undergraduate degree will be of either 3 or 4 year duration with multiple exit options within this period. So multiple entry, multiple exit का option रखा गया है। तो आपकी जो degree है, अब आपने 1 साल किया, उसके बाद आपको कुछ family background की वजह से आपको छोड़नी पड़ी, आप उसे आगे further pursue नहीं कर पाए।
तो ऐसा नहीं है कि आपको वापस से आके दोबारा से वो सब शुरू करना पड़ेगा। अगर आप एक फिक्स टाइम के अंतर्गत आके दोबारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपका जो क्रेडिट्स आपने पहले सिक्योर किए हैं आप उसको उसके आगे स्टडी करेंगे, आपका वो क्रेडिट्स एक क्रेडिट बैंक टाइप का जैसे डिजी लॉकर है उसके उसमें वो सिक्योर रहेंगे और आप अपनी स्टडी आगे फर्दर परस्यू कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि जैसे अगर आपने एक साल के बाद कोर्स छोड़ा है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दो साल के बाद छोड़ा है तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीन साल के बाद होना तो एक बैचलर्स का शायद डिग्री है और फोर ईयर के बाद आपको कंप्लीट डिग्री रहेगी जो मिलेगी। लेकिन फोर ईयर खासकर उन लोगों के लिए है जो आगे रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बड़ा चेंज है। जो अब इसमें चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं और इस पॉलिसी के सामने है कि जैसे कि कहा गया है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू सभी एरियाज में स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी जाएगी, ई कंटेंट अवेलेबल कराया जाएगा, लेकिन उस जगह पर आप कैसे स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के थ्रू सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जिनके पास अभी स्मार्टफोन ही नहीं, जहां पर अभी लाइट ही नहीं पहुंची, तो वहां पर कैसे ये एजुकेशन पॉलिसी उन लोगों को इंक्लूड करेगी, उन लोगों पर इम्पैक्ट छोड़ेगी, अभी ये देखना एक अपने आप में बड़ा बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। और अभी जिन स्कूल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जो विलेजेस के स्कूल हैं, जो रिमोट एरियाज के स्कूल हैं, जो बहुत ही ट्राइबल एरियाज में स्कूल हैं, जहाँ पर अभी केवल पूरे स्कूल में एक टीचर है, वहां पर आप कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू उन लोगों को एम्ब्रेस करेंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने होने वाला है। जो दूसरी बात है कि ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स बाय 2023, तो इतने बड़े लेवल पर टीचर्स की ट्रेनिंग, तो इतने बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स के लिए जो बेसिक मेंटोर हैं तो सबसे पहले कौन होंगे, वो टीचर्स होंगे, तो उन टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे 2023 तक खत्म होगी और कितने अच्छे से होगी इस पर डिपेंड करता है कि ये पूरा जो रिफॉर्म है वो कैसे हमारी रियल लाइफ में, कैसे स्टूडेंट्स की रियल लाइफ में इम्पैक्ट डालता है। और एक जो 6% GDP एक्सपेंडिचर पर फोकस किया गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो 6% GDP एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन तो राजीव गांधी के टाइम की जो पॉलिसी बनी थी 1986 में उसमें भी कहा गया था, लेकिन अभी भी हम जानते हैं कि 4.4 मेयरली एक्सपेंडिचर GDP का एजुकेशन पर होता है, तो उसको कैसे 6% तक लिफ्ट करना है ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा सरकार के सामने। और जो एक और चीज है कि बहुत सारी पॉलिसीज बनती हैं उनका कितने हद तक इम्प्लीमेंट होती हैं वे और कितने हद तक उनका इम्पैक्ट आता है वो उसका भविष्य तय करता है, क्योंकि तो अभी पॉलिसी बनी है इसको इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगेगा। 2023 तक तो टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की गई और 2030 तक इसका पूरी तरीके से पालन कराने की बात की गई है, लेकिन उसका कैसे इंक्रीमेंटली स्टेप्स इसमें लिए जाते हैं और कैसे इसका फाइनल इम्पैक्ट लोगों पर पड़ेगा वो तो टाइम ही बताएगा। और कंक्लूसिवली अगर देखा जाए तो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि एक तो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा, सेकंड 6% GDP एक्सपेंडिचर रहेगा, थर्ड 6 क्लास से कोडिंग सिखाई जाएगी जिससे कि एनालिटिकल कैपेबिलिटीज बढ़े, जो रटने वाला सिस्टम है उसको कम करने पर जोर दिया जाएगा, और जो थर्ड चीज है और जो फोर्थ चीज है वो ये है कि जो वोकेशनल स्किल्स हैं तो वोकेशनल स्किल्स बच्चों को 12 से पहले ही सिखाई जाएं ताकि जो 12th क्लास पास आउट करें वो कम से कम एक वोकेशनल स्किल में ट्रेंड हो। ये वोकेशनल स्किल आपकी कुछ भी हो सकती है, वो म्यूजिक हो सकता है और जितने भी क्राफ्ट हैं आगे वो हो सकती हैं, और इसके अलावा जो इंटर्नशिप है वो किसी भी क्राफ्टमैन के पास जो एक्सपीरियंस है उस वोकेशनल स्किल में उसके पास बच्चों की कराई जाएगी, जो लगभग 10 दिन का समय बताया गया है, तो अभी देखते हैं आगे उसका जो एक प्रॉपर जब करिकुलम डिसाइड हो जाएगा, जैसे कि सिलेबस भी चेंज करने की बात है तो सिलेबस में से कौन से टॉपिक हटते हैं कौन से रहते हैं वो जब आएंगे तब आपको उसके बारे में बताया जाएगा। और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।